हमारा भी रिजर्व है वो इस गंगे में, सब नंगे हैं गंगे। देखते हैं कहीं ऐसा ना कि फंस जाए और मेमोरेबल बन जाए। तो गाजीपुर जाना है तो सीधे, और लखनऊ जाना है तो यहाँ से टर्न ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। हाँ बाइक का भी टोल लगेगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू। फिलहाल जो है ना वो आज का राइड तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, सुबह के 3 बजे से। बट हम जो है ना वो सोचे थे कि क्यों ना एक नए लोकेशन पे आके अपने ब्लॉग का शुरुआत करें। चला जाए। सो फाइनली अभी फिलहाल सगना मोड़ पे हैं और आज का ब्लॉग का शुरुआत यहीं से हो रहा है। आप आई होप शो कि इससे पहले वाला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आज का प्लान क्या है, कहाँ जा रहे हैं। और वैसे तो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, बैकपैक रेडी है, एक हिमालयन है विनीत, और हम और प्रशांत पिलियन राइड पे है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 पे। पूरा लगे इस पे लोड है। तो आज पे वैसे कुछ भैया लोग आए थे सी ऑफ करने, थैंक यू सो मच भैया। तो मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं भैया जल्दी, चलिए थैंक यू। राइडिंग गियर तो मस्ट है, जरूरी है पहनना। चले चलिए, बाय बाय भैया। राइड में हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं वो देखने वाला सीन है। वैसे टाइम जो है वो करीब 3:21 है टाइम, और ना एंजॉय कर पाते हैं। सो फाइनली जो है वो अभी हम लोग चाय है, वाह चाय का चुस्की का ब्रेक लेते हैं। तो सुबह का टाइम हो गया, अर्ली मॉर्निंग, और अभी जो है वो करीब 135 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं। 135 किलोमीटर का एक छोटा सा ब्रेक का प्लान हुआ है। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, बक्सर से थोड़ा पहले है, और भी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पहुँचने वाले हैं। बस यहाँ से 20 किलोमीटर और है, और सब जगह जो है वो भजन कीर्तन का समय है, दुर्गा पूजा का समय है। राइड के साथ साथ थोड़ा चाय ब्रेक हो जाए, क्योंकि लेट नाइट सब प्रिपरेशन किए हैं, निकले हैं तो थोड़ा क्या है ना, ब्रेक का थोड़ा इशू हो गया और रेस्ट तो कर नहीं पाए हैं। तो आज बाइक राइड होगा, रेस्ट नहीं होगा। और अभी हम पहुंचने वाले हैं बक्सर। या दोस्तों बक्सर पहुंचने वाले हैं, और पटना से बक्सर आधा होते हुए आए थे ऑलरेडी। आपको हम डिटेल बता चुके थे कौन सा रूट हम लेने वाले हैं। ये रूट अच्छा था, नो डाउट। थोड़ा बहुत डाइवर्जन देखने को मिला, बट ओवरऑल रोड जो है वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी कंफर्टेबली हम लोग राइड किया है। सो पटना से निकल गए हैं, पटना से निकल गए 140 किलोमीटर का राइड जब कंप्लीट किए हैं। तो हम लोग अभी बिहार बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। जी दोस्तों, सामने में जो ब्रिज दिख रहा है ना, इस साइड में हो गया बिहार और उस साइड में हो गया यूपी। सो फाइनली ये जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ना, यही बेसिकली बिहार यूपी के बॉर्डर है और बिहार और यूपी को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तरफ बढ़ेंगे, और वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के डायरेक्ट निकलेंगे लखनऊ के साइड। तो ये वाला ब्रिज भाई लगभग क्रॉस हो गया है, और इस साइड में नया ब्रिज भी बन रहा है उस साइड में। तो वेलकम टू यूपी, हम लोग आ गए यूपी में। सो भाई साहब, अगर आप पूर्वांचल से जा रहे हैं तो सबसे पहला काम, पूर्वांचल पे अगर चढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम फ्यूलिंग कराना। तो सबसे पहला काम हम लोग करा रहे हैं फ्यूलिंग, रहने दीजिए। कितना आया? 3.76, 150 किलोमीटर, 3.76, 150 किलोमीटर। तो अभी हम लोग एवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं। 3 पॉइंट अभी हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, 152 डिवाइडेड बाई 3.7, मतलब 41 का एवरेज दिया है, 41। पेट्रोल पंप का जो इशू है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलता है। डब्बा में ज़रूरत नहीं होगा, ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ज़रूरत नहीं होगा। अभी और एवरेज भाग जाए 41। ठीक है,
तो भाई साहब रॉयल इनफील्ड का जो एवरेज अभी निकल के आया है वो 41 का आया है, काफ़ी अच्छा एवरेज है। सो भाई साहब अगर बिहार से आप राइड करके आ रहे हैं और यूपी में क्रॉस करने वाले हैं तो पेट्रोल लेना हो तो यूपी में लीजिए, बिहार से सस्ता है। बिहार में करीब 107 रुपये था और यहाँ 98 रुपये कुछ पैसा था। तो अभी हम लोग टॉप अप करा लिए, टैंक जो है वो फुल कर लिए हैं। अब डायरेक्ट हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करेक्ट करने वाला है ये रूट। सो भाई साहब वेलकम टू पूर्वांचल। अब हम लोग आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से हम लोग निकलेंगे लखनऊ के तरफ डायरेक्ट सीधे। वैसे आजमगढ़ लखनऊ गाजीपुर, तो गाजीपुर जाना है तो सीधे और लखनऊ जाना है तो यहाँ से टर्न ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। वाह सुपर। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टोल प्लाजा। जैसे हम लोग अगर बक्सर साइड से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो फर्स्ट टोल प्लाजा हम लोग को यही देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा व्हीकल साइड, फर्स्ट टैग लेन, हाँ बाइक का भी टोल लगेगा। किसमें बुला रहा है भाई? कहाँ जाना? लखनऊ। 335 रुपया पीछे करें। सो भाई साहब अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा एक्सप्रेसवे पे राइड करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मज़ा लेते हैं। वैसे अपना ये जो स्लेटर वाला है ये लग गया है, ये काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी आरामदायक भी रहता है बहुत। करीब पटना से हम लोग 262 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास जो है वो लखनऊ है। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और यहाँ साइड में रुकने का ऑप्शन है और ये तो मेन लाइन है। तो एक्सप्रेसवे तो ज़बरदस्त है, शानदार है, बट नया बना हुआ है तो खाने वाने का जो सीन है, पेट्रोल वेट्रोल का जो सीन है वो काफ़ी कम है, ऑलरेडी आपको बता चुके थे। सो प्रशांत अभी कर रहा है एडवेंचर और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे से उतर के जा रहा है समोसा और कोल्ड ड्रिंक लाने उधर उधर। ये महाराज जी, यही महाराज जी, ये क्लिप मेरे को भी चाहिए। वाह पैसा नहीं लेके गए हो, रुको दे रहा है पैसा नहीं लेगा भाई। अभी पावर नैप लेते हुए और यहाँ पे जो पावर नैप ले रहे हैं इसका लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डूड है और यहाँ अपना बाइक लगा हुआ है और ये खतरों का खिलाड़ी बने हुए हैं यहाँ साइड में। यहाँ से अगर जाएंगे तो सीधे जाएंगे सर्विस लेन पर। नीचे नाला है, पहले नाला में जाएंगे उसके बाद सर्विस लेन में जाएंगे, नले में आ जाएंगे। वाह उम्मीद भी है भाई, लाइफ में पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आए हैं और ये मोमेंट याद रहेगा। विनीत भाई ये इनका अभी यहीं पे बेड था और अभी यहीं पे डिनर टेबल भी लग गया है, लंच टेबल सॉरी। डिनर तो करेंगे रात में, बरेली वरेली में कहीं सब पैक करके लेके चलेंगे, पैक करके लेके चलेंगे डस्टबिन में रख देंगे। तो आज का जो अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस जोन में हो रहा है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले विनीत भाई सोए हुए थे। जैसे कि देख सकते हो ये अपना बाइक इधर पार्क है और बता देते हैं कि ये जो ब्रेकफास्ट है ना अल्टीमेट है, बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस। तो फटाक से हम लोग इसको निपटाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं जो फिर मिलते हैं बाइक पे। सो फाइनली अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे, ऑलरेडी आप वीडियो में देख चुके हैं। अब टूबी राइड को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ही पटना से निकल गए थे, इस वजह से ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया था। तो अभी ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट किए हैं, अब फिर से राइड को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं लखनऊ की तरफ। सो
सो भाई साहब, आधा डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद एक टॉयलेट वॉशरूम का जो है वो यहाँ पे सीन देखने को मिला, कहीं जेंट्स टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट, और ये प्रॉपर वॉशरूम है प्रोविंशियल एक्सप्रेसवे पे। तो अभी यहाँ से जो लखनऊ का डिस्टेंस है वो करीब 200 किलोमीटर और रेस्ट बच गया है। सो फाइनली एक छोटा सा पावर नैप जो है वो यहाँ ले लिए थे, रुके थे किसी और पर्पज़ से, बट यहाँ पे जो स्टॉपेज था वो बेसिकली कैंटीन है, बट कैंटीन अभी ऑपरेशनली चालू नहीं है, वॉशरूम चालू है, वॉशरूम पर्पज़ से रुके थे और हम लोग थोड़ा पावर नैप ले लिए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, क्योंकि पटना जब निकले थे तो कहीं भी हम लोग रुके नहीं थे, वेट नहीं किए थे। तो लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो मेमोरेबल बनने वाला है, क्योंकि मेरा बाइक हो गया है रिजर्व में, लग गया है फुल टंकी करा के ये किए थे, और रिजर्व में भी 46.5 किलोमीटर चल गया है, मतलब ऑलमोस्ट डेंजरस पोजीशन पे है। अगर अभी 20-25 किलोमीटर में अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो नहीं, अभी चलेगा 20-25 किलोमीटर और इसका रेंज है। आओ बैठो, चलो देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या करता है। वैसे सीधे क्या हुआ, रिजर्व लग गया है, रिजर्व में 46 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर किलोमीटर और चलेगा, 100 किलोमीटर चलता है, मेरा भी रिजर्व लग गया, ऑलरेडी 54 किलोमीटर चल चुका है। तुम्हारा भी रिजर्व है, वो इस गंगे में सब नंगे हैं ना गंगे, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाए और मेमोरेबल बन जाए। खाना पानी तो लेके ही एक्सप्रेसवे पे चढ़े और फ्यूल लेके, वैसे फ्यूलिंग तो हम भी करा लिए थे फुल टंकी, बट फिर भी रिजर्व लग गया है, और रिजर्व लगने के बाद थोड़ा टेंशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लॉन्ग राइड है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये सब चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। सटा हुआ है। एक मिनट आप रुकिए, यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एग्जिट टोल। भैया इसके आगे पेट्रोल पंप कहाँ है? 11 किलोमीटर ओके, 11 किलोमीटर के बाद सभी 11 किलोमीटर और है, उसके बाद जो पेट्रोल पंप है वो मिलने वाला है। वैसे अब टोल एंड हो गया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से ख़त्म, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, 9 किलोमीटर अभी है। ओके, सो लखनऊ अब आ गया है, लखनऊ के लिए एग्जिट होना है 1 किलोमीटर पे। थैंक यू, प्लीज़ विजिट अगेन लखनऊ, 500 किलोमीटर पे हम लोग को एग्जिट होना है। चलते हैं हम लोग, एग्जिट होते हैं लखनऊ के तरफ, और फिर जो है वो बरेली होके जाना है या नोएडा होके जाना है ये अभी डिसाइड नहीं है, ये अभी डिसाइड होगा जब लखनऊ में हम लोग रुकेंगे, प्रॉपर एक लंच करेंगे फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि लंच भी करना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट पे ही अभी तक राइड कर रहे हैं, भूख लग गया है बहुत ज़बरदस्त वाला, तो कहीं रुकते हैं अच्छे जगह लंच करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि नोएडा साइड निकलना है या बरेली साइड निकलना है। हेलो, बढ़िया सर। हाय, माय सर विवान। हेलो, हम लोग ट्रेन में जानी है। ओके ओके, लाइए ट्रैवल विद कौशिक। इसको हम एक बार चेकआउट करेंगे, आज बैठते हैं तो चेकआउट करते हैं। हाँ चलिए, मिलते हैं, थैंक यू, ड्राइव सेफ, थैंक यू, मिलते हैं।
पेट्रोल पंप पे आ गए हैं तो एक कहानी आपके साथ शेयर कर दें कि रिजर्व में 91.8 किलोमीटर रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 चली है रिजर्व में, तो समझ सकते हैं कि एवरेज क्या आया है। कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पेट्रोल का रेट है 96.57 रुपये पेट्रोल प्राइस। चलिए भाई साहब आप लोग भी आ जाइएगा 107 रुपये से 96 रुपये पर। हम लोग क्या 107 रुपये है सर बिहार में। हाँ पटना वहाँ। अच्छा वहाँ महंगा है ऐसा क्यों? स्टेट टैक्स ज़्यादा है सर, दारू बंद है ना, कमाई कम है सरकार का। भाई नवाबों के शहर में आ गए हैं और अभी फिलहाल है लखनऊ में, ये देख सकते हैं लखनऊ। तो अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ में, तो थोड़ा लखनऊ का शाम भी इंजॉय करेंगे। एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगा, दोनों साइड जो पेड़ है ना और यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि बढ़िया हवा ले रहा है।